नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इंडिया में बैंस की बात हो रही है तो मैंने सोचा कि कुछ बैंस जो बीजेपी ने किए हैं पिछले कुछ टाइम में, जिसकी वजह से बीजेपी की जो फुल फॉर्म है वो अब एक्चुअली बन चुकी है बैन जुमला पार्टी। और पिछले 2 साल में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है सरकार में, इन्होंने अभी तक जो भी बैन किए हैं मैं उस पर एक बात करना चाहूँगा। सबसे पहला बैन इन्होंने किया था पॉर्न पे, जो कि कहते हैं कि कल्चरल है और पॉर्न बैन होना चाहिए। तो मैंने उसके खिलाफ़ भी एक वीडियो की थी और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, जो कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरा स्टेप था। हर किसी का पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए, जो व्यक्ति जो चाहे वो देख सके, जो चाहे वो कह सके। उसके बाद नंबर आई मैगी, जो इन्होंने बैन की थी। तो सबको पता है कि मैगी बैन हुई, जो कि सही नहीं था। एक्चुअल में वो रामदेव की मैगी लॉन्च करने का एक तरीका था कि नेस्ले मैगी बैन हो और रामदेव जी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें कुछ स्वदेशी। और जैसे ही उनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके बाद मैगी बैन भी हट गया, मैगी इज़ बैक इन द मार्केट। इसके अलावा बीफ बैन, इन्होंने सबसे पहले लोगों के खाने पे ध्यान रखा कि कौन क्या खा रहा है, जिसका किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो बीफ खाए, चिकन खाए, पॉर्क खाए। जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है जैसे नॉर्थ ईस्ट या गोवा, वहाँ पर बैन नहीं है क्योंकि वहाँ पर इनकी खुद की मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बाद हम बात करते हैं जो बैन उसके बाद हुए, मूवीज़ में गालियाँ बैन। जब से इनके जो पिट्ठू हैं वो सेंसर बोर्ड में आए, जैसे उड़ता पंजाब में कुछ गालियाँ दी गई तो इन्हें बैन किया गया। निर्भया हत्याकांड पे एक मूवी बनी थी इंडियाज़ डॉटर, जो इंडिया में बैन कर दी गई कि इससे लोगों में रेप की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसके अलावा मुंबई में इन्होंने लॉन्जरी के जो स्टोर्स थे उस पे उन्होंने बाहर जो फोटोज़ लगी थी उसको भी बैन किया कि ये कल्चरल डिफरेंस है, इससे कल्चर ख़राब होता है, इससे लोगों की प्रवृत्ति जो है वो रेप की तरफ बढ़ेगी, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। आपको बताना चाहूँगा कि रेप जो है वो बेवकूफ़ और जो कावड़ इंसान है वो करता है, जिसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है और वो मानसिक बीमारी से घिरा हुआ है। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान कभी भी इस तरीके की हरकतें नहीं करता। इन सब के बाद और बैंस की जो बात है, हम सब जानते हैं नोट बैन कर दिए गए हैं, जिससे जो भी लोगों को परेशानी हो रही है वो सबके सामने है। मैं कुछ उसमें अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। जहाँ तक जुमलों की बात है, 15 लाख का जुमला था, 100 दिन में फांसी दे दीजिएगा, वो जुमला था। आजकल मोदी साहब कह रहे हैं कि 50 दिन में ये सब हो जाएगा, तो ये भी एक जुमला ही साबित होगा, बिकॉज़ जितने नोट छपने हैं उसमें कम से कम 6 से 8 महीने तो लगेंगे ही। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके घर से लाखों करोड़ों रुपये मिल रहे हैं उनकी गाड़ियों में, उसके बारे में अभी कोई कुछ कह नहीं रहा। उस पे पूरा प्रकेस होने चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और अगर सच में सरकार संजीदा है इस चीज़ को रोकने के लिए, सो दे शुड वर्क ऑन दिस। इन सब के अलावा यू टर्न में भी मशहूर है बीजेपी, और उनके जो भक्त हैं वो हर चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। सो मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो फुल फॉर्म आज की डेट में है, बी से बैन, जे से जुमला और पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है वो बैन जुमला पार्टी बन के रह गई है, और इसकी जो अंत है वो बहुत जल्दी होगा। और सबसे बड़ा यू टर्न और सबसे बड़ा जो इन्होंने धोखा दिया है हिंदू जनता को भी, उसके बारे में बताऊंगा कि 1991 से आज तक ये राम मंदिर के नाम पर वोटों के लिए लड़ते हैं और मंदिर का कभी कोई जिक्र नहीं है और ना ये बनवाने के इच्छुक हैं। वो सिर्फ़ एक ऐसा चूल्हा है जिस पे ये अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। सो आम जनता को यही कहूँगा कि वो सोचे समझे और अच्छे लोगों को वोट दे। धन्यवाद।